अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तहरा कैरियर जॉब्स चैनल की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी BSc का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, केमिस्ट्री का पेपर बी है आज हमारे पास, जो 2018 का एनुअल एग्ज़ाम के साथ जो सप्ली का एग्ज़ाम भी होता है वो सप्ली वाला पेपर है। ठीक है जी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता ज़्यादा, ये ग्रुप 3 है जिसके हम बात करें तो आपको मैक्सिमम मार्क्स आपके 17 होते हैं और पास मार्क 6 होते हैं। टाइम अलाउड आपको 4 घंटे होता है, ठीक है ना। आपने 2 सवाल लिखने होते हैं। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन हम पढ़ लेते हैं, नोट क्या है हमारे पास। राइट डाउन मटेरियल विद क्वांटिटी इक्वेशन एंड प्रोसीजर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 विद इन द फर्स्ट 15 मिनट। आपने 15 मिनट के अंदर मटीरियल लिखना होगा, इक्वेशन लिखनी होगी और प्रोसीजर लिखना होगा। 3 चीज़ें आपने 15 मिनट में लिखकर एग्जामिनर को दिखानी होंगी, ठीक है ना। एग्जामिनर चेक करेगा उसको और जो है उसके गेट दायरा लगा देगा जहाँ तक आपने 15 मिनट में अंदर लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि 2018 के सप्ली के एग्जाम में बेंजोइक एसिड आया था, और एंड इट्स डेरिवेटिव शुड बी प्रिपेयर्ड, और इसके डेरिवेटिव शुड बी प्रिपेयर्ड करने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिपेयर ए सैम्पल ऑफ एसीटनिलाइड, एसीटनिलाइड का जो है एसीटनिलाइड, प्योरीफाई इट एंड डिटरमाइन इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये 6 नंबर का आता है, ये 8 नंबर का होता है, नोटबुक 1 नंबर की होती है। वाइवा जो पूछा जाता है वो आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करें कि हम कैसे इसको जो है इसका सिलेबस कैसे होगा, पता नहीं क्या है, ठीक है ना। इसका सिलेबस भी कुछ इस तरह का है। प्रिपरेशन का जो क्वेश्चन 2 आता है हमारे पास जो 6 नंबर का होता है, उसका सिलेबस आप BZU का जो है एस्पिरिन है, एसिटिलाइड है और बेंजोइक एसिड है और टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड और ट्राई ब्रोमोफिनोल है, ये इन 5 में से 1 आता है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो सिलेबस है, क्वेश्चन नंबर 2 का सिलेबस है, ठीक है ना जी। इसमें से 5 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन लाजमी आता है। और इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स देखें तो इस तरह से होती है कुछ, ठीक है ना जी। और क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो यूँ उसका जो है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो आपको एक टेस्ट ट्यूब दे देगा, उसके अंदर में नीचे डिस्क नोट है, हम पढ़ेंगे इसको। सिलेबस क्या होता है इसका, ये 4 सवाल हैं, 4 में से 1 आता है, फिनोल आ जाए, इमाइन आ जाए, बेंजोइक एसिड आ जाए, जो भी इसमें से आ जाए, ठीक है ना। 2017 में ये फिनोल आया था और 2018 में बेंजोइक एसिड आया था, ये 2 बार बार रिपीटेड है, इन 2 में से मुश्किल से आता है। अगर आ जाए तो, अगर आ जाता है तो फिनाफ्थलीन आ जाता है, ठीक है जी, या एंथ्रासीन भी दे देते हैं, बाज़ूकात ऐसा भी होता है, वरना प्रॉपर सिलेबस यही है। एक टेस्ट ट्यूब एग्जामिनर आपको दे देगा, दी जाएगी, और जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, जो या आपको एग्जामिनर जवाबी कापी के ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख देगा जो कि हर तालिब इल्म का मुख्तलिफ होगा। जवाबी कापी पर लिखा गया कंपाउंड वही लिखना होगा, जो है, या आप तब्दील भी करवा सकते हैं अगर आप वो रहम कर दे तो, जो आपको अच्छी तरह से याद हो तो वो आप इस तरह से भी उसको कह सकते हैं, तो आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारा सिलेबस था क्वेश्चन नंबर 2 का। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।